बाद में संजय लोक स्वामी अखबार के दफ्तर पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में खंडवा के समस्त पत्रकारों ने रोष प्रकट किया। संजय लोक स्वामी अखबार के द्वारा मध्य प्रदेश के इंदौर के बहुचर्चित हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप कांड का समय समय पर सफेद पोशों का खुलासा करने के संदर्भ में यह कार्रवाई की गई। शायद ऐसा प्रतीत होता है इंदौर में प्रेस पर प्रहार के विषय में खंडवा के समस्त पत्रकारों ने एक बैठक कर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया तथा समस्त पत्रकारों ने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर इस तरह की कार्रवाई दमनकारी और दुर्भाग्यपूर्ण है तथा इसी के फलस्वरूप आज खंडवा जिले के समस्त पत्रकार साथी स्थानीय पार्वती बाई धर्मशाला से वाहन रैली के रूप में खंडवा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तथा वहां पहुंचकर अपर कलेक्टर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया तथा ज्ञापन का वाचन मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष देवेंद्र जायसवाल ने किया तथा इसी प्रकार का एक ज्ञापन खंडवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भी महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा तथा इस अवसर पर खंडवा जिले के समस्त पत्रकारगण उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के खंडवा से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। एवं दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई पर अंकुश लगाए जाने बाबत संदर्भ इंदौर संजय लोक स्वामी कार्यालय सीज किए जाने एवं पत्रकारों के साथ मारपीट व अवधपूर्ण कार्रवाई करने संदर्भित द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय खंडवा एवं पुलिस अधीक्षक महोदय खंडवा के माध्यम से समस्त पत्रकारों द्वारा प्रेषित ज्ञापन माननीय महामहिम विगत दिनों इंदौर से प्रकाशित सांध्य दैनिक संजय लोक स्वामी द्वारा हनी ट्रैप स्कैंडल के लगातार खुलासे किए जाने पर दुर्भावना से प्रेरित होकर राज्य शासन के दबाव में इंदौर पुलिस द्वारा लोक स्वामी कार्यालय में घुसकर पुलिस द्वारा न केवल दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई की है बल्कि वहां पर उपस्थित कर्मचारियों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार भी किया गया। साथ ही संस्थान के प्रबंधन से जुड़े विभिन्न प्रतिष्ठानों पर भी दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इंदौर पुलिस प्रशासन इस कार्रवाई से समूचे पत्रकार जगत में रोष व्याप्त है। लोकतंत्र का गला घोटने की यह कार्रवाई न केवल दमनकारी है अपितु हनी ट्रैप स्कैंडल पर पर्दा डालने की साजिश भी है। खंडवा के समस्त पत्रकार साथी माननीय महामहिम से अनुरोध करते हैं कि मध्य प्रदेश शासन के दबाव में आकर की गई इस अनुचित कार्रवाई पर संज्ञान लेते हुए उचित कदम उठाए एवं लोकतंत्र की आवाज दबाने के इन प्रयासों पर विशेष संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार के दबाव में दोषपूर्ण कार्रवाई पर लगाम लगावे। इंदौर पुलिस द्वारा 30 नवंबर की रात्रि को जब कार्रवाई की जा रही थी तो कार्रवाई कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों के साथ भी पुलिस प्रशासन द्वारा मारपीट की गई तथा दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया गया। पुलिस की यह कार्रवाई लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज दबाने वाली कार्रवाई प्रतीत होती है। माननीय महामहिम मध्य प्रदेश में पहली बार जनता की आवाज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलने की कार्रवाई की जा रही है। इससे खंडवा के समस्त पत्रकारों में भी रोष व्याप्त है। हम निवेदन करते हैं कि दुर्भावना से प्रेरित इस तरह की कार्रवाई पर न केवल रोक लगाई जाए बल्कि भविष्य में इस तरह दुर्भावना पूर्ण व्यवहार न हो इसके प्रयास किए जाएं। समस्त पत्रकार खंडवा। एक फोटो ले लो देते हुए।